टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई स्टार कपल्स हैं जिन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के जरिए फैंस को लंबे समय तक दीवाना किया है। कई ऐसे कपल्स हैं जो रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं, दोस्ती की मिसाल देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में पर्दे पर उन्होंने पति पत्नी का किरदार निभाया है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है पॉपुलर स्टार्स मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का। जी हाँ, स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का किरदार निभाया शिवांगी जोशी ने। वहीं कार्तिक के किरदार से मशहूर हुए मोहसिन खान दोनों ने लंबे समय तक इस सीरियल में काम किया और फैंस को दीवाना किया अपने रोमांटिक केमिस्ट्री के जरिए। हालांकि लंबे समय पहले ही मोहसिन और शिवांगी इस शो से निकल चुके हैं। वहीं शो से निकलने के बाद शिवांगी और मोहसिन का रिश्ता कैसा है, इसी पर बातचीत की है शिवांगी ने। शिवांगी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि मोहसिन के साथ वह कैसी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। दरअसल बता दें आपको, हाल ही में शिवांगी से इंटरव्यू में पूछा गया कि शो से निकलने के बाद भी वह टीम के दूसरे कलाकारों के साथ जुड़ी हुई है या फिर नहीं। मोहसिन के बारे में उनसे पूछा गया, वह कहती हैं, जाहिर सी बात है मैं उनके टच में हूँ, काम की वजह से फुर्सत नहीं मिलती है कि किसी से बहुत ही ज्यादा मिल पाए। शिवांगी जोशी के मुताबिक सामने आया है कि वह आज भी मोहसिन से बातचीत करती हैं, उन्हें फोन करती हैं और आज भी वह उनके टच में बनी हुई हैं। एक वक्त ऐसा था जब मोहसिन और शिवांगी के अफेयर की चर्चाएं होने लगी थी। दावा किया जाने लगा था कि शिवांगी और मोहसिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवांगी जोशी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाद बालिका वधू के सीजन 2 में नजर आ रही हैं। वहीं मोहसिन खान भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा व्यस्त हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।